होली खाने की तलाश में घूम रही थी। शायद किसी ने उसे दराती से मारा। काफी दिन तक वो घायल ही चलती रही। उसका पेट अंदर तक कट गया था और गोबर और पानी उसके घाव से बहता रहा। हमारे यहाँ ठीक होने के दौरान उसने एक बछिया को जन्म दिया। कमजोरी के कारण जन्म वक्त से पहले हुआ और वो बछिया बच नहीं पाई। जिस समय रिमझिम को गाड़ी ने मारा वो गर्भवती थी। उसकी पसलियों पे गंभीर चोट आई। इलाज के तीसरे महीने में उसने बुद्धू को जन्म दिया, पर उसके पास अपने बछड़े के लिए भी दूध नहीं था। जाहिर है इसीलिए किसी ने उसे बेसहारा छोड़ दिया था। कुछ ही दिन बाद बुद्धू की मौत हो गई। ये तो दूध उद्योग के सिर्फ चंद क्रूर परिणाम हैं। बिंदु का पैर खेतों को जानवरों से बचाने वाले शिकंजे में फंस गया। चोट इतनी गहरी थी कि उसकी टांग काटनी पड़ी। जो गाय दूध देना बंद कर देती हैं, डेरियां उन्हें पालना नहीं चाहती। गाय को सड़क पे छोड़ दिया जाता है, जहां वो प्लास्टिक और कूड़ा खा के अपना पेट भरती हैं। इन्हीं बेसहारा गायों को हम अब आवारा कहना शुरू कर देते हैं। ये छोटा बछड़ा ऐसे ही छोड़ दिया गया। किसी ने इसे गाड़ी से टक्कर मारी और वहीं छोड़ दिया। अस्पताल में पूरा दिन जिंदगी की लड़ाई लड़ने के बाद वो अंत में मर ही गया। बच्चों को पहले ही दिन से माँ से अलग बांध दिया जाता है। बछड़ों को या तो भूखा मार दिया जाता है या सड़क पर छोड़ दिया जाता है। बैलों की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब से छोटे ट्रैक्टर आए हैं, बैलों की जरूरत और भी कम हो गई है। बिना जरूरत इन्हें कोई पालना नहीं चाहता और इन्हें भी सड़क पर छोड़ दिया जाता है। इस बैल की गलती ये थी कि वो भूखा था। उसने किसी के खेत से गोभी खा ली। उस जमींदार ने उसे ढूंढ निकाला और तब तक मारा जब तक उसकी टांग नहीं टूट गई। मारा फसल को बचाने के लिए नहीं, गुस्सा निकालने के लिए। ऐसे हजारों जानवरों में से पीपल फार्म में कुछ ही इलाज के लिए पहुंचते हैं। यहां उन्हें शरण मिलती है, वो सुरक्षित महसूस करते हैं और उनका इलाज किया जाता है। हमारे पास एक समय में सिर्फ 12 गायों की मदद करने की क्षमता है। हमारा चिकित्सा केंद्र तो इस क्रूर समस्या की मानवीय प्रतिक्रिया मात्र है। ये कोई इसका समाधान नहीं, ना ही सरकारी गौशालाएं कोई समाधान है। इतने बड़े पैमाने की समस्या के लिए उनके पास संसाधन नहीं कि वो उचित तरीके से बेसहारा गायों की मदद कर पाएं। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, मोबाइल पे बात करते हुए या पी के गाड़ी ना चलाएं। दूध का उपयोग कम से कम करें। दूध का हर गिलास गाय के खून से सिंचा है। अगर आपको लगता है कि गायों की मदद की जानी चाहिए तो कृपया इस सूचना को शेयर करें। धन्यवाद।